हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 1 जुलाई से दुबई का इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट बीच में हम बोल सकते हैं कि जब RT-PCR बंद हो गया, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लोग ट्रैवल कर सकते थे, यानी कि दुबई आ जा सकते थे, तब काफ़ी छूट दी जा रही थी लोगों को, या फिर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं था। बट अब फिर से सिक्योरिटी हो गया है, स्पेशली मैं बोलूँगी जो लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं उनके लिए। जो लोग रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है, बट जो लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। इसका रीज़न सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो विजिट वीज़ा में आते हैं वो लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं, स्पेशली 3 महीने वाले। ठीक है, 3 महीने के लिए अगर आप विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं तो इमिग्रेशन में भी टफ फॉर यू, टफ हो सकता है उसके लिए। तो कैसे आपको हर चीज़ का कैसे अच्छे से रिप्लाई करना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से देख ले। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं जॉब सर्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि हाल ही में मैंने बताया आपको जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा अभी सितंबर से चालू हो जाएगा, जहाँ पे ये रहेगा कि जॉब सीकिंग के लिए आपको वही वीज़ा लेके आना है। इसलिए जो लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं और जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, उनको तो देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा घूमने के लिए नहीं आया है, ये जॉब सर्च के लिए आया है, उसको थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ही हो रहा है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे विजिट वीज़ा वाले, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या स्टे डिटेल्स, आप कहीं भी रह रहे हैं, बेड स्पेस में रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, पैसे आपके पास होने चाहिए, और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, उसमें QR कोड प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अब रहने की बात अगर करें, अगर आप होटल बुक नहीं कर सकते हैं, स्टे जो आप रहता है बेड स्पेस वगैरह बुक नहीं कर सकते हैं पहले से, कई लोग तो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं बुक कर सकते हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी स्टे डिटेल्स क्या है। जिन अगर आपका कोई फ्रेंड या जानने वाला यहाँ पे रहता है, कहीं भी रहता है, तो उसका आप जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी होता है वो ले सकते हैं, या फिर अगर वो भी बेड स्पेस में रहता है तो उसकी एमिरेट्स आईडी आप ले सकते हैं कि इसके पास मैं जा रहा हूँ, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका एमिरेट्स आईडी है, तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट विदाउट स्टे डिटेल आप ट्रैवल मत कीजिए। ठीक है, और रिटर्न टिकट तो बिल्कुल ही आपको लेके जाना है। बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि डमी टिकट से वो लोग आए हैं। देखिए, बहुत सारी नेशनलिटीज़ ऐसी होती है ना जिनको ये लोग इजीली पास हो जाने देते हैं। लड़की अगर फीमेल है तो भी उतनी पूछताछ नहीं होती है, क्योंकि बहुत रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की, तो उतनी पूछताछ नहीं होती है। ऐसे ही कुछ नेशनलिटीज़ के लिए ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से ही प्रिपेयर होके आना है। बहुत लोगों को साइड में एक बंदे को डमी टिकट से ही क्रॉस हो जाता है, और वो देखता है कि 10 लोगों का ग्रुप है जिसको साइड कर दिया गया है क्योंकि उनके पास डमी टिकट्स पाया गया। तो ये पूरा पूरी डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर, बट अभी बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सामने एक और वीज़ा आने वाला है। स्पेशली अगर आप 3 महीने के विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आ सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।